का बिल्कुल बेसिक लेसन मैं आपको बता रहा हूँ, यानी चाइनीज अल्फाबेट। कुछ लोग इस बात पे चौंकेंगे, वो कहेंगे चाइनीज में तो करेक्टर होते हैं। बिल्कुल जी, 13,000 करेक्टर होते हैं जिनमें 3,500 एसेंशियल होते हैं। मगर चाइनीज ने दुनिया की आसानी के लिए, कि दुनिया को आसानी से चाइनीज समझ में आ जाए, एक नई चाइनीज जिसको हम पिनियन कहते हैं, जिस तरह रोमन उर्दू होती है रोमन चाइनीज, इसके जो अल्फाबेट हैं करीब करीब वैसे ही हैं जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन और इनके नाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसा कि ये बी नहीं है, ना ये पी है, ना ये एम है, ना ये एफ है। इन चारों लेटर्स को एक खास रॉ में लिखने का सबब ये है कि इन सबके साउंड में यू ओ उ का इजाफा होगा। जैसे कि इसे चाइनीज में बी नहीं बल्कि पू, ये पू, ये मू और ये फू। इसके बाद जो नीचे लेटर आते हैं इंग्लिश में, इसको डी, इसको टी, इसको एन, एल, जी, के, एच कहते हैं, लेकिन ये यू एच उ के साउंड एंड में आ जाएगा। डू, टू, नू, लू, चू, कू, कू, ठीक है, सबके एंड में यू एच आ रहा है। इसी तरह ये जो जे लेटर होता है इसके बाद जी, इसी तरह एक्स, सी। याद रहे क्यू का लेटर हमारे यहाँ इंग्लिश में तो होता है, लेकिन चाइनीज में क्यू से मुराद शी होती है। जहां भी क्यू आए तो शी के तौर पे पढ़ा जाता है, क्यू है तो ये बन जाएगा शी, शी। अब आ जाए जेड, सी और एस की बात करते हैं। तो जेड का मतलब है इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे पढ़ा जाएगा जैसे कि तीन जेड हो एक साथ, ससस या सकक या ससस। डब्ल्यू की जगह यहां पे लेटर होता है वू, जैसे कि डब्ल्यू के आगे हमने तीन यू लगाए हुए, बिल्कुल ऐसे साउंड बन जाएगा वो। वाई तो होता ही नहीं, वाई की जगह ये ई पढ़ा जाता है, आई डबल ई। मेरे भाई जैसे कि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होते हैं, चाइनीज में कॉन्सोनेंट को इनिशियल्स कहते हैं। ये सारे इनिशियल्स तो वैसे ही हैं जैसे कि अल्फाबेट में थे, तीन इनिशियल्स बिल्कुल अलग हैं, जिनमें एक तो हमारे पास जेड एच, सी एच और एस एच, ये भी कॉन्सोनेंट इंग्लिश के या चाइनीज के इनिशियल है। देखिए इसे जेड एच को हम पढ़ते हैं जर, सी एच शर, ऐसे शर यानी अर की आवाज आती है। आप बोलेंगे कि भाई आर अभी तक नहीं आया, मैं आर का बता दूं, आर को आर नहीं बल्कि अर ही पढ़ते हैं, ई डबल आर। तो ये चारों लेटर्स की जिनकी हम बात यहां पे कर रहे हैं, जेड एच, सी एच, एस एच और आर, सबके साउंड में देखें शर, चर, शर और आर को हम पढ़ते हैं अर। ये तो सारे हो गए हमारे इनिशियल या कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में वोवल्स होते हैं, चाइनीज में वोवल्स को फाइनल्स कहते हैं। हमारे यहाँ 5 वोवल्स इंग्लिश में होते हैं, अब इंग्लिश को हम हमारा बोल ही सकते हैं, इतनी तो इंग्लिश हमने पढ़ ही ली है। यहां पर देखें तो मेरे भाई 6 होते हैं, ए, ई, ओ, यू या यू, और ये बिल्कुल एक नई चीज आ गई। ये क्या होते हैं, 2 डॉट यू के बाद, बताता हूँ। ए से मुराद यहाँ पे होती है आ, देखिए मेरा मुंह पूरा खुला हुआ है आ। ई पे कोई ई नहीं पढ़ते बल्कि अह, देखिए हल्का सा मुंह अह, अह। ओ एच, ओ को ओ, जैसा कि भाई ओ हम कहते हैं ओ बासुन, ओ बासुन, तो ओ। वाई को ई, ई। यू को हम देखिए जैसा कि उर्दू का होता है ना उर्दू, तो ये ऊ, ऊ। और ये यू के बाद डबल डॉट लगाए ईफ, वैसे इसका जो साउंड पढ़ा जाता है वो बिल्कुल नून बनने जैसा होता है, हमारी उर्दू के नून बनने जैसा ईफ, तो ये यू। तो मेरे भाई ये हमारे 6 फाइनल्स हैं जिनको हम इंग्लिश में वोवल्स कहते हैं, बाकी ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। चाइनीज के लेटर्स को यूज कैसे करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हमारा मेन टारगेट यही है कि चाइनीज हो, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए और उर्दू में इन लैंग्वेजेस को समझ में आ जाए, ठीक है भाई। और चाइनीज से घबराए नहीं, आने वाला दौर चाइनीज का है, सी पैक की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है, जॉब के फैक्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करते रहें। थैंक्स।